तुम्हें समझ में आ गया बच्चा कि ए आर जीरो क्यों है? बताओ भाई ए आर जीरो क्यों है? रिलीज करती है एंगुलर वेलोसिटी से। क्योंकि अभी रिलीज किया ना तो ओमेगा जीरो है, रिलीज करते ही एंगुलर वेलोसिटी नहीं आती इसलिए ओमेगा जीरो। ओमेगा जीरो तो ए आर जीरो। अब ए आर जीरो तो एन टू जीरो आएगा, क्यों? क्योंकि ए की फोर्स लग रही है एक्स में, वो एन टू लग रही है, और एक्स में एक्सलरेशन है ही नहीं सेंटर ऑफ मास का, इसलिए क्या आ जाएगा एन टू जीरो। तो मैंने बताया था ना बच्चा आपको कि हिंज फोर्स दो जगह फोर्स लगा सकता है, ठीक है जी। तो इस केस में देखो एन टू तो जीरो आ रहा है, मानते हो? अब एन वन निकाल लें। यस तो ये बच्चा ये बताओ मुझे, एन वन जो है वो कहाँ पे लग रहा है? एक्स में लग रहा है, वाई में लग रहा है? वाई भाई तो समेशन ऑफ एफ वाई क्या लिखूं मैं? एम इंटू एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वाई डायरेक्शन। अब बताओ वाई में कितना एक्सलरेशन है इसके पास, एटी या ए आर? 80, तो एटी मास इनटू 80, और 80 की वैल्यू हम जानते हैं अल्फा आर होती है, बताया था मैंने आपको। यस तो अल्फा कितना है इस टाइम पे? हाँ, 3G/12 3g/12, 3g/12। और आर कितना है बच्चा? L/2 L/2, सेंटर ऑफ मास की दूरी हिंज से, ठीक है जी। तो एल ने एल को मार देना है, तो ये क्या आ गया मेरे पास, 3mg/4 आ गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर। तो अब एफ वाई समय लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं, कितनी फोर्सेस लग रही हैं? दो दो लग रही है, एन वन ऊपर और एम जी नीचे, तो नेट फोर्स कितना आएगा? नेट फोर्स क्या लिखूं मैं, एम जी माइनस एन वन लिखूं या एन वन माइनस एम जी? क्योंकि MG-1 एटी नीचे है ना बच्चा, तो एम जी नीचे की तरफ एक्सलरेशन, मतलब नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा, ठीक है जी। एम जी माइनस एन वन इज इक्वल टू 3mg/4। तो बच्चा ये वैल्यू कितनी आ गई एन वन की? MG पर 3mg/4, गुड। तो एन वन देखो नॉन जीरो आया और एन टू क्या आया मेरा, जीरो आया। तो दो फोर्सेस लग सकती हैं बेस्ड अपॉन रिक्वायरमेंट, ठीक है जी, जरूरी नहीं हमेशा दो लगेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? तो एन वन एन टू निकालने आने चाहिए, सिर्फ जेई वाला बच्चों को, नीट में कभी नहीं पूछेंगे बता रहा हूं मैं, वो सिर्फ टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा तक पूछते हैं, इससे ज्यादा उनकी औकात नहीं है, ठीक है जी। एक और सवाल दूं करने के लिए, यस क्या पिक्चर क्लियर हुई सबको? वही कैसे स्टेप्स करने, तीन स्टेप्स करने हैं बच्चा, देखो मैंने लिखे थे, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा करना है, किसके अबाउट, हिंज के अबाउट, जहां पे हमने उसको हिंज कर रखा है, उससे क्या निकलेगा, अल्फा अल्फा निकल जाएगा। फिर अल्फा से क्या पता लगेगा हमें, सेंटर ऑफ मास का एक्सलरेशन पता लगेगा, क्योंकि देखो जो सेंटर ऑफ मास है उसका दो एक्सलरेशन होंगे, ए टी और ए आर। ए टी डिपेंड करता है अल्फा पे और ए आर डिपेंड करता है किस पे, ओमेगा पे, ठीक है। ए आर की वैल्यू क्या थी, ओमेगा स्क्वायर आर, और ए टी की वैल्यू क्या थी, अल्फा आर। तो ए टी निकालने के लिए मुझे अल्फा चाहिए, तो अल्फा कहां से आता है, पहली इक्वेशन से, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा से, ठीक है जी। उसके बाद हमें क्या देखना है कि समेशन ऑफ एफ एक्स बराबर ये करना है, एक्स में एक्सप्रेशन क्या आएगी, ओमेगा स्क्वायर आर। अगर जस्ट रिलीज किया है तो ओमेगा क्या होगा, जीरो, ठीक है जी। और अगर मान लो काफी टाइम होगा रिलीज किए तो ओमेगा जीरो नहीं होगा, उस टाइम पे ए एक्स भी आएगा अपने पास। सर ऐसा कोई एग्जांपल करा दो जिसमें ओमेगा जीरो ना हो। हाँ मैं कराऊंगा बच्चा, मैं तीन एग्जांपल ले बैठा हूँ, पहले तो मैं इसको करना सिखाता हूँ, फिर रॉड को रिलीज करूंगा। मान ले मैं तो एग्जांपल दूंगा कैसे, देखो मैं एक सवाल दूंगा तुमको ऐसे कि मान ले मैंने इसको यहाँ से रिलीज किया, ठीक है, जब वो 37 डिग्री पे आ गया, मान लो यहाँ से 37 डिग्री गिर गया वो, तब उसका एन वन एन टू क्या, वो सवाल पूछूंगा। अब देखो यहाँ पे जब आ जाएगा ना बच्चा, तब तो ओमेगा आएगा उसके पास, यहाँ से रिलीज किया था, वो सवाल भी यस कराऊंगा बच्चा, ठीक है। चलो मैं स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ बच्चा, थोड़ा सा ये टॉपिक डिफिकल्ट है, बच्चों कम समझ में आता है, इसलिए थोड़ा सा मैं स्लो चल रहा हूँ उसमें। एक सवाल दे दूँ, करोगे? हाँ
कोई तैयार नहीं सवाल करने के लिए? Yes. चलो ये रॉड है बच्चा, मान लो ऐसे। ये सवाल आपको कोई पूछेगा नहीं, बता रहा हूं मैं आपको, मतलब स्कूल में कोई नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन हाँ कंपटीशन के लिए जरूरी है बच्चा। मान लो ये रॉड है, इसको रिलीज किया है 37 डिग्री से रिलीज किया है मैंने, ये नहीं कि यहां से ही आ रही है ऊपर से नीचे नहीं आ रही, यहीं से रिलीज किया है 37 डिग्री से ही, यहां से रिलीज किया है। इस इंस्टेंस पे आपको दो फोर्सेस है, मान लो एक एन टू है और एक एन वन है, ये निकाल ले, क्या आप निकाल पाओगे? हाँ जी हेलो, यस निकालो। मैंने 37 डिग्री से रिलीज किया है, ऐसे नहीं है। देखो बच्चा तुम जो सोच रहे हो, तुम यहां से रिलीज किया फिर 37 पहुंच गया, ऐसे नहीं, यहीं से रिलीज किया, 37 से ही रिलीज किया है, इसी टाइम पे क्या मेरा अल्फा है, ठीक है जी, और रिलीज यहीं से किया, छोड़ा मैंने यहीं से इसको, तो आपको निकालना क्या है, एन वन एन टू निकालना है बच्चा, निकाल पाओगे? चलो मैं कराऊं क्या, बोलो भाई मैं कराऊं या तुम करोगे? ये थोड़ा लंबा नहीं पड़ेगा? चलो मैं करा देता हूं। सुनो भाई, मेरा स्टेप वन क्या था बच्चा? स्टेप वन था टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अब देखो एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं, हिंज के अबाउट निकालना है, तो एन वन का टॉर्क कितना आएगा, एन टू का टॉर्क कितना आएगा, दोनों का जीरो। अब बचा क्या, सेंटर ऑफ मास पे जो फोर्स लग रही है वो mg लगेगी, वो तो लगती है वर्टिकली डाउनवर्ड बच्चा, मानते हो? यस सर। इसका टॉर्क निकालना है, तो इसको एक्सटेंड कर लूं mg sin 37, इसको एक्सटेंड कर लूं ऐसे, ठीक है जी, ये 37 है मेरे पास और ये दूरी कितनी है मेरे पास, l/2 है, कितनी है l/2, तो l/2 cos 37 आएगा मेरे हिसाब से, तो ये लेंथ जो आएगी वो क्या आएगी, अरे हाँ ना बोलो, ऐसे हो, ये हाँ मेरा सिस्टम, ये 37 दे रखा है, ये दूरी कितनी है l/2, तो ये दूरी निकाल सकते हो, निकाल सकते हो? यस सर। तो l/2 cos 37, हाँ जी बोलो सर, mg के एक बार कंपोनेंट करें तो वैसे ही कर सकते हैं यहीं पे? हाँ कर ले, mg कंपोनेंट कर ले, क्या दिक्कत है? फिर mg cos 37 वाले का तो कोई टॉर्क होगा ही नहीं, और साइन का होगा। हाँ जी हाँ वैसे कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, mg कंपोनेंट कर ले, ऐसे कर ले, ये ऐसे बन गया दो कंपोनेंट, ठीक है जी। तो अगर मैं एंगल देखूं 53 डिग्री आएगा ये एंगल, अगर मैं mg को तोड़ लूं बच्चा, देखिए mg ऐसे है, ये 37 ये 90 तो ये 53 आना बोल, तो ये भी 53 आएगा, okay. इधर mg cos 53 आ जाएगा, इधर आएगा mg sin 53, yes sir, ठीक है जी, तो बस वही है, फिर mg sin 53 into l/2 कर ले, तो आपको यही आएगा, ठीक है जी, जैसे मर्जी कर ले। मैंने तुम्हें दो तरीके सिखाए थे यार, देख मैंने सिखाया था r perpendicular into f सिखाया था, या फिर f perpendicular into r, ठीक है जी, तूने जो यूज किया वो क्या किया है, f perpendicular into r यूज किया, ठीक है जी, वैसे कर ले कोई दिक्कत नहीं है। टॉर्क क्या आ गया बच्चा, फिर अगर मैं देखूं इसको, mg sin 53 into दूरी कितनी है इसकी, l/2, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg sin 53 बोले तो 3/5 नहीं 4/5 सॉरी 53 है ना, खाना बोलो, इनटू एल बाय टू, ये टॉर्क आ गया, सबको समझ आ गया भाई? यस सर, ठीक है,
ये टॉर्क आ गया, इसको आई अल्फा करना है, आई तो क्या है एम एल स्क्वायर बाई थ्री रहेगा इंच के अबाउट, इनटू अल्फा निकाल लेते हैं, एम ने एम को मार देना है, एल ने एल को मार देना है, तो दो ने चार को काट देना है, सिक्स जी एल बाय फाइव, यही आ रहा ना शायद अल्फा, नहीं एल तो नीचे आएगा, सिक्स जी बाय फाइव एल। सबका आ गया भाई यहां तक? महिमा जी यस सर। तो फर्स्ट स्टेप तो मेरा हो गया, अल्फा निकल गया। अब बच्चा सुनो, इसको थोड़ा कचरा को साफ करते हैं एक बार। अब क्या करते हैं बच्चा हम, सेकंड स्टेप क्या होता है हमारे पास, इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, एम जी साइन 53, इधर क्या लग रहा है mg cos। अब बच्चा महिमा ये बताओ मुझे, समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू क्या करते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन x डायरेक्शन, बच्चा मानते हो? यस सर। तो अब देखो ये घूम तो सर्कल में रहा है, तो इस तरफ क्या होगा ar होगा, और इधर क्या होगा बच्चा मेरे पास at, at। तो ए आर की वैल्यू कितनी महिमा इसमें, यहाँ पे जस्ट रिलीज किया तो ओमेगा जीरो होगा। हाँ जस्ट रिलीज किया तो ओमेगा जीरो, ओमेगा जीरो तो आई आर भी जीरो हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर, तो ये वाले टर्म जीरो हो जाएगी, बच्चा मानते हो? यस सर। अब बताओ महिमा मुझे एक्स में कितने फोर्स लग रहे हैं? सर एक्स में एन टू एम जी कॉस 37 cos 53 बच्चा 53 तो n2 तो ऊपर लग रहा है और नीचे क्या लग रहा है mg cos 53 cos मैंने क्या कर रखा sin भी मैं पागल हूँ दो दो लिख रखे मैंने sin भी लिख रखा और cos भी लिख रखा है पागलपन कर रखा है चलो तो mg cos of 53 is equal to क्या लिख दूं जीरो लिख दूं बच्चा मानते हो? यस सर। यस सर। तो इससे n2 निकल जाएगा mg cos 53 यानी 3 by 5 तो 3 yes. mg by 5 तो n2 देखो इस टाइम पे 0 नहीं आ रहा ठीक है ना, पहले वाले केस में n2 0 आ रहा था, अब वाले केस में नहीं आ रहा। दूसरा क्या है देखो, पहले जो अल्फा आया था वो आया था 3g by something था 2l है ना, 2g by 3 कुछ था ना, अब अल्फा अलग आया yes, तो अल्फा अलग क्यों आया पहले केस से? गणेश ये बताओ पहले वाला केस था उसमें अल्फा आया था मेरे पास 3g by 12 ठीक है, जब मैंने छोड़ा हॉरिजॉन्टली, अब मैं छोड़ रहा हूँ किसी एंगल पे, तो मेरा अल्फा अलग क्यों आ रहा है बच्चा? पोजीशन दो उस टाइम पे तो हॉरिजॉन्टल था, इस टाइम पे ये तो अल्फा अलग ही आएगा। हाँ देखो उस टाइम पे जो टॉर्क लग रहा था बच्चा वो पूरे mg का लग रहा, पूरे mg का टॉर्क आया था, याद करो mg into l by 2 लिखा था मैंने ठीक है यार, उस टाइम पे पूरा mg yes, into, अब जो मेरे पास है वो एक mg का कंपोनेंट है जो टॉर्क दे रहा है, कौन सा साइन कंपोनेंट टॉर्क दे रहा है, पूरा mg का टॉर्क नहीं आ रहा, इसीलिए मेरा टॉर्क बदलेगा, टॉर्क बदलेगा तो मेरा अल्फा बदलेगा। तो मैं तुम्हें क्या फील करा रहा हूँ कि रॉड के हर पॉइंट पे जैसे जैसे नीचे आएगी टॉर्क बदलता रहेगा, टॉर्क कॉन्स्टेंट नहीं है याद रखना, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो मैक्सिमम टॉर्क कब होगी, हॉरिजॉन्टल पे मैक्सिमम होगी पूरा एमजी लग रहा है ठीक है जी, जब ये रॉड वर्टिकल हो जाएगी, मान लो जब ये रॉड मान लो वर्टिकल होगी ऐसे, तब तो एमजी भी पास करेगा उसी पॉइंट से हिंज से, मानते हो? Yes, sir. Yes, sir. तो इस टाइम पे तो टॉर्क जीरो हो जाएगी। तो तुम्हें ये क्या बता रहा हूं मैं कि बेसिकली क्या है कि टॉर्क हॉरिजॉन्टल पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है, घटते 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 क्या होती है, जीरो। क्या इस बात को फील कर पा रहे हो? यस सर। तो टॉर्क बदल रही है तो अल्फा ही बदलेगा, तो जैसे हम बात करते हैं ना उसमें कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है,
वैसे यहां भी बात करते हैं कि एंगुलर एक्सलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है। टॉर्क बदल रहा है तो मेरा अल्फा बदलेगा, तो एंगुलर एक्सलरेशन कांस्टेंट नहीं है। क्या ये बात चमक गई है? यस यस। अब सुनो बच्चा, अब मुझे क्या निकालना है? एन वन निकालना है। क्या निकालना है? एन वन। तो गणेश ये बताओ समेशन ऑफ एफ वाई क्या लिखते हैं? m into a about center of mass in y into me in y direction। ठीक है जी। अब मुझे बताओ कि y direction में कौन सा acceleration है? at या r? at की value क्या होती है? alpha r होती है। ठीक है जी। alpha की value हम जानते ही हैं कितनी है, 6g by 5l। तो 6g by 5l into L by 2 कर दूं, R L by 2 है, मानते हो? Yes। तो ये आ गया। अब बताओ Y में forces कौन कौन से लग रहे हैं? N1 and MG sin 53। अच्छा जी। अब बच्चा ये बताओ इसके अंदर का मैं equation लिख दूं तो equation क्या बनेगी? N1 plus MG sin 53 is equal to this। N1 plus MG sin 53 is equal to ये आ जाएगा, कितना है 6 तो 3 mg by 2 आ गया शायद, है ना? नहीं 10, नहीं 5। तो इससे सॉल्व कर लो, अगर mg मेरा n1 नेगेटिव आ गया इसका मतलब मैं डायरेक्शन गलत माननी है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? पुट्ठी हो जाएगी। ठीक है बच्चा, बात समझ गई? यस। उल्टी कैसे? मतलब अगर n1 नेगेटिव आ गया सॉल्व करने में, तो मतलब मैंने देखो n1 n2 की डायरेक्शन कैसे 90 मानते हैं, मैंने बोला डायरेक्शन कुछ भी हो सकती, बताया था मैंने आपको, तो मतलब अगर मैंने ये नेगेटिव आ गया मतलब n1 ऐसे लग रहा होगा। ओके सर, बात चमक गई सर? मतलब स्टार्टिंग में हम कुछ भी डायरेक्शन से कुछ भी मान लो, कुछ भी मान सकते हो, अगर आंसर नेगेटिव आ गया तो समझ लो पुट्ठी लग रही। बात चमक गई? ठीक है सर। चलो फिर बच्चा आज इतना ही करते हैं, ठीक है? थोड़ा डिफिकल्ट है डाइजेस्ट करने के लिए आपको ये, तो कर लेना, कल आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर? आज 5:30 क्लास है। हाँ है बच्चा, ठीक है।